कोरोना संक्रमण के कारण इस साल भी पहाड़ों पर बस बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल के दर्शन मुश्किल से ही हो पाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी है। अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहां पूजा पाठी करेंगे। कोर्ट ने सरकार को दिए अपने निर्देश में कहा कि 4 धाम यात्रा 2021 में पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ताकि श्रद्धालु उनके आसानी से दर्शन कर सके। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र को भी अस्वीकार कर दिया और दोबारा जवाब दाखिल करने को कहा है। सच्चिदानंद डबराल अनुपंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था तथा 4 धाम यात्रा 2021 की तैयारी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए दिए थे आदेश। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 2 दिन पहले भी हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 3 जुलाई के 4 धाम यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। राज्य कैबिनेट ने चमोली जिले के लोगों के लिए बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी के लोगों के लिए गंगोत्री के दर्शन की इजाज़त दी थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान भी हो रहा है। कोर्ट ने कहा सरकार देखे व्यापक हित। सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को लेकर जारी SOP को शपथ पत्र के साथ पेश किया। कोर्ट ने कहा कि यह SOP हरिद्वार महाकुंड की SOP की नकल है। इसी तरह कोर्ट ने सरकार की गंभीरता पर भी शंका जताई। जब राज्य सरकार ने दलील दी और पुजारियों व पुरोहितों के विरोध का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि हमें धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल रखना है। दरअसल सरकार ने लाइव टेलीकास्ट को लेकर कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा जब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तब तकनीक नहीं थी। जगन्नाथ यात्रा समेत कई मंदिरों के धार्मिक अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण होता है। इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में सरकार को व्यापक हित देखना चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी व अधिवक्ता दुष्यंत मेनाली ने बताया कि कोर्ट ने 25 जुलाई की 4 धाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगा दी। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।